हाँ बच्चों, पावनी माने क्लास 5 का बुक निकालें, पार्ट 1 अरमान कविता को हम लोग पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। इस कविता में भारत के महान वीर सपूतों के बारे में बताया गया है, जैसे राणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, शिवाजी इत्यादि के वीर हस्तियों के बारे में बताया है। शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। मैंने बच्चों से कहता है कि इस मरने वाली दुनिया में ये जो दुनिया है वह मरने वाली है, हम यहाँ जिंदा रहने नहीं आए हैं। माने हमें यह शौक नहीं है, यह अरमान नहीं है, हम कुछ करके दिखाएंगे। माने कवि कहता है कि हम माने इस धरती पर कुछ ऐसा निराला काम करें जो हमें मरने के बाद अमरों के माने वीर शहीदों के तौर पर हमारा नाम स्मरण लोग करते रहें। जो लोग गरीब निराश्रित हैं, जिन पर नहीं किसी की छाया है, माने कवि कहता है कि जो लोग गरीब हैं, जिसका कोई नहीं है, जो निसहाय है, जिन पर किसी की छाया न हो, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिस पर माँ बाप की छायाएं नहीं रहती हैं, माँ बाप बचपन में ही मर जाते हैं, वैसे बेसहारों लोगों को हमें माने सहारा देना चाहिए, मदद करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल है। हम उनको गले लगाएंगे, हम उनकी सुख बनाएंगे, हम उन्हें क्या करेंगे, अपने सने से उन्हें गले लगाते हैं और उन्हें उनके जीवन में जो फैले हुए दुख हैं, अंधकार हैं, उसे दूर कर उनके जीवन में सुख लाने की कोशिश करते हैं। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नज़र में हैं, हम उनको कोने कोने में उद्मय का दीप जलाएंगे। ने कभी फिर बच्चों से कहता है कि जो लोग अंधेरे घरों में रहते हैं, अपनी ही नहीं नज़रों में, जो अपनी नज़रों से छिप कर रहते हैं कि लोग देख न सके, हम उनके कोने कोने में उद्मय का दीप जलाएंगे। हम उनके जीवन में एक नए उत्साह की किरणें भर देंगे, ताकि उनका जीवन जो हो वह धन्य हो जाए, वह धन्य पुलकित हो जाए, उनमें किसी प्रकार के उनके जीवन में अंधेरा ना रह जाए और वे भी समाज में नज़र से नज़र मिलाकर चल सकें। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। कवि यहाँ कहता है कि जो लोग निराश होकर माने हार कर घर पर बैठ जाते हैं और वे सोचने लगते हैं कि हमारा जीवन बेकार हो गया है, हमारा जीवन निरर्थक हो गया है, वैसे लोगों को उम्मीद मार कर बैठे हैं कि हमें जीवन में कोई सहारा देने वाले मिल जाए, तो वैसे लोगों को हम माने उनके जीवन को बुझने नहीं दें, बल्कि उसे सहारा बनकर उनके खोए हुए आत्मबल को जगाने की कोशिश करें, उनके उत्साह को बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि वे फिर से उनके जीवन में उत्साह भर सके। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं हम, मातृभूमि की सेवा में
अपना सर्वस्व लगाएंगे। मैंने कवि कह रहा है कि हमें मैंने रोको मत, हमें अपने मार्ग में से बढ़ने से रोको मत, हमें हमेशा बढ़ने दो, तभी आज़ादी के दीवाने हैं हम अपने देश के आज़ादी के दीवाने हैं। माने आज़ादी के जो नन्हे मुन्हे बालक हैं वे आज़ादी के लिए हम लड़ सकते हैं, कट सकते हैं, अपना सर नहीं झुका सकते। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटवाएंगे। मातृभूमि का अर्थ होता है सेवा। माने हम अपनी धरती माँ का सेवा करते हुए अपना सब कुछ, अपना प्राण तक नौछावर कर सकते हैं। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे हैं। माने कभी मैंने बच्चे कह रहे हैं कि हम वैसे वीरों के बच्चे हैं जो अपने प्राण हंसते हंसते धरती के लिए न्योछावर कर दिया। उसी तरह हम भी वैसे ही वीरों के संतान हैं जो हम अपने धुन के, अपने मनोबल, अपने धुन के पक्के और सच्चे हैं। हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जंग में नाम कमाएंगे। हम उन वीर योद्धाओं की मनोबल को टूटने नहीं देंगे, बल्कि उनका मान और बढ़ाएंगे। हम जग में नाम कमाएंगे और हम इस संसार में नाम कमाएंगे कि हमारे मरने के बाद हमारे वीर गाथाओं को लोग पढ़ें, समझें और हमारी गुणगान करते रहें। इस तरह इस कविता का अर्थ समाप्त हो गया। अब ये कविता तुम लोग अपने कॉपी पर, फेयर कॉपी पर लिख लोगे तथा इसका अर्थ लिखने का कोशिश करना है। हाँ, यहाँ कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिसको तुम लोग अपने कॉपी पर लिख लोगे और याद कर लेना है। स्कूल लॉकडाउन के बाद खुलने पर इस कॉपी को चेक किया जाएगा। थैंक यू। यानी क्या कर दें, ये लिख दें।